हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था हाउ टू शो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर लाइन, राइट। जैसे आपके पास एग्जांपल था ये। अब इसको मैं आपको दोबारा से आज रिवाइज करा रही, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इस टॉपिक में कि हाउ टू शो दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको पता है नंबर लाइन में आप 0, 1, 2, 3 इस तरीके से शो करते हो, बट हाउ टू शो डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले जो आपके पास नंबर होगा उससे डेसिमल से पहले आपने देखना है कि क्या नंबर है। अब जैसे डेसिमल से पहले आपका नंबर है 1, तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 1 point something है तो ऑब्वियसली कि आपका नंबर लाइन में किस नंबर के बीच में आएगा, आफ्टर 1 और अब 1 के बाद जो आप नंबर आता है 2, उसके बीच में। ओके। और हमेशा आपको पार्ट्स करने हैं इन जो भी आपके पास नंबर है उनके बीच में आपने पार्ट करने हैं 10, और जो 10th पार्ट होगा वो जो नेक्स्ट नंबर होगा उस नंबर के ऊपर आएगा। जैसे कि अब मैंने इसके अंदर 10 पार्ट करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके। तो अब मैं इसमें अगर अब मैं नंबर करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th आ गया 2 पे, क्योंकि 10 by 10 वो डिडक्ट होके सेम हो जाता है। आपने पार्ट कर लिए 10। उसके बाद 1.257 आपने दिखाना है, तो 1 point का मतलब क्या है कि 1 के बाद आपका कोई नंबर आएगा, पर किसके बाद आएगा। अब 1.2, अब आपने नेक्स्ट नंबर देना, आपने जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एक एक नंबर एक्स्ट्रा आपने देखने जाना है। 1.2, तो यानी कि आपको क्या देखना है, आप 2 के बाद, यानी कि अब आपका नंबर जो होगा वो किसके बीच में आएगा, इस 2 के और उसके नेक्स्ट वाले टर्म के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में, यानी कि अब आपका नंबर आएगा इसके बीच में। अब आपने इससे भी आगे जाना है, यानी कि अब 2 के आगे यानी 5 पे जाना है। तो अब पहले तो आपने ये नंबर लाइन बनाना है ये 2 और 3, यानी कि ये 2 और 3 क्या है, 1.2, 1.3, ये मैंने आपको बना दिया 1.2 और 1.3। अब इसे फिर से आपने 10 पार्ट्स करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th इसके ऊपर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th। अब आपको ये देखना नंबर कहाँ पे था, हम 1.2 और 1.3 के बीच में तो है ही, 1.2 के बाद जो आपका नंबर है 5, तो आपने क्या देखना है, 5 और उसके बीच में, यानी कि 1.2 5 और उसके बीच 7 वाले में, यानी कि 6 के बीच में, ये आपके टर्म आ गए। अब आपके पास देखो 1.25, अब आपने कैसे नंबर लाइन लिखनी है नेक्स्ट, 1.25 और 1.26, 1.26। अब इसमें फिर से आपने 10 पार्ट्स करने हैं, 10, और 10th हमेशा नेक्स्ट नंबर के ऊपर आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th। अब आपने ये देखना है, आपने 1.2 कंसीडर कर लिया 2 और 3 के बीच में, 1.25 कंसीडर कर लिया 5 और 6 के बीच में, अब लास्ट आपका क्या बचा, 1.257, यानी कि 1.257 ये आपका आ गया एट लास्ट। जितने भी आपके पास टर्म होंगी ये आपका क्या आएगा, 1.257। इसी तरीके से आपने शो करना। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी बार वाले क्वेश्चंस में, जैसे मैं आपको कहती हूँ 2.67 बार, राइट, 6, 7। आपको 2 points आपको ये समझ आ गया कि आपके नंबर लाइन में किसके और किसके बीच में आएगा, 2 और 2 के बाद वाले, उससे पहले वाले नहीं, 2 और 2 के बाद वाले, यानी कि 2 और 3। तो अब इसमें फिर से आप 10 पार्ट्स करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10th ये होगा, और इक्वल पार्ट्स करने हैं। मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मेरा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपने थोड़ा सा एकदम मेजर करके अपने स्केल से बनानी है इक्वल पार्ट्स। तो अब आपने आपको ये पता चल गया कि 2.67 आपका जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। पहले तो मैं ये 2.67 को थोड़ा सा ये, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये चलता चला जाएगा, लेकिन मैंने 2.67 दो बार लिख लिया, तो यानी कि अब मुझे इतना पता है कि ये यहाँ तक होगा, इसके बाद जितने भी मिडिल फ्रैक्शंस होंगे उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारा किसके बीच में आएगा, 2.67, यानी कि 2 के बाद 2 और 3 के बीच में 6 और उसका नेक्स्ट वाला, यानी कि 2.66 आ गया, और हमें इसके आगे नंबर बढ़ रहा है तो 6 और 7 के बीच में, अगर ये 2.65 होता तब भी ये 6 और 7 के बीच में आता, आ गया। यानी कि अब हमने क्या नंबर लाइन बनानी है जो रिकंसीडर करनी है, 2.6 और 2.7, 2.6 और 2.7 के बीच में। फिर से 10 पार्ट्स करने हैं,
इक्वल इक्वल 10, 10 हमेशा हमारा लास्ट जो नंबर होता है उसी के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th ये हमारा। अब हमारा नंबर कहाँ पे आएगा 2.6, हमने 6 लिख लिया 2.6, अब इसके बाद क्या नंबर आया 7, हम कंसिडर करेंगे 7, यानी कि 2.67। अब 7 और उसके नेक्स्ट वाला टर्म यानी कि इसके बीच में 2.678। अब हमने फिर से नंबर लाइन शो करनी है क्योंकि हमारा जितनी बार चलता जाएगा जब तक हम एंड पे नहीं आ जाते तब तक आपने नंबर लाइन दोबारा से शो करनी है। हमारा क्या चीज़ आया 2.67 और 2.68, तो ये हमने शो कर लिया 2.67, 2.68। आपने फिर से 10 पार्ट्स करने हैं। नाइन और टेन आपने इक्वल इक्वल पार्ट करने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th लास्ट पार्ट। ओके, अब आपने दो नंबर शो करने के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं 2.676। अब फिर से 6 आया यानी कि 6 और उसके नेक्स्ट वाली टर्म यानी कि हमारा नंबर कहाँ पे लाई करेगा इन दोनों के बीच में। अब फिर से बार वाले क्वेश्चन में आपने जो आपका नंबर रिपीट कर रहा है उसको एक एक्स्ट्रा और नंबर लिख दो, अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास दो नंबर है बार वाले तो आप दो नंबर करके लास्ट वाले टर्म तक चलोगे। तो 2.676 पे आ गए हम, 2.676 और 2.677, 2.677। फिर से आपने 10 पार्ट्स करने हैं इक्वल, और 10th पार्ट हमारा इसके ऊपर। तो हमारा क्या आया 2.67, 6 पे पहुंच चुके थे हम, अब नेक्स्ट आया हमारा 7, ये हमारा लास्ट है 2.6767। तो ये हमारा आ गया ऑन 7, यानी कि हमारा बिल्कुल 7 के ऊपर आया, तो ये हमारा चीज़ क्या आ गई 2.6767। दैट्स इट, ये हमारा नंबर लाइन पे हमारा बार वाला शो हो गया। इसी तरीके से करना है। अब आप एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगी लास्ट आज के लिए, वो आपने ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, इरैशनल नंबर भी पता है। रैशनल नंबर प्लस इरैशनल हमें क्या आंसर देता है, इरैशनल। ओके, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इरैशनल भी हमें क्या देता है, इरैशनल। रैशनल नंबर माइनस, ये आगे पीछे भी हो सकती है, माइनस इरैशनल, वो भी हमें क्या देगा, इरैशनल। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बताओ कि 2 × √5 रैशनल है या इरैशनल है, तो अब क्या करोगे, 2 क्या चीज़ है, रैशनल, मल्टीप्लाई √5 क्या होता है, इरैशनल। मैंने आपको बताया रैशनल प्लस इरैशनल गिव्स इरैशनल रिजल्ट, तो ये हमारा 2 √5 क्या हो गया हमारा, इरैशनल। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस चेक करेंगे इसी तरीके से हैं। अब मल्टीप्लाई का हो गया, अगर आपको ये कहे 2 + √3, अब ये बताओ रैशनल या इरैशनल, तो क्या कहोगे, 2 क्या है हमारे पास, रैशनल, और √3 क्या है हमारे पास, इरैशनल। और मैंने आपको बताया कि रैशनल प्लस इरैशनल हमारा क्या होता है, इरैशनल। रीज़न क्या है, मान लो कोई भी इरैशनल नंबर है 5, इरैशनल नंबर है 1.235 बार। अब इसमें अगर आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद कुछ नहीं तो 5.0, तो ये आपका क्या हो गया, 6.235 बार, जो आपका बार है जो कॉन्टिन्यूट है यानी नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, इरैशनल। सेम चीज़ इसी तरीके से करनी है। अब जैसे मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई का भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपने एक क्वेश्चन में किया था पिछली एक्सरसाइज के 1.1/7 आपको वैल्यू दे रखी थी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग थी, तो 2/7 आपने कैसे निकाला था, 2 × 1/7, यानी कि 2 × जो आपको वैल्यू दे रखी थी उसका आंसर भी क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग। आपने कुछ भी मल्टीप्लाई किया था इरैशनल नंबर से उसका आंसर क्या आया था, इरैशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से आपने इसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर आपके पास होता है 5 − √3 का स्क्वायर, तो आपको a − b का स्क्वायर खोलना आता है, व्हाट इज़ a − b का होल स्क्वायर, a² + b² − 2ab। इसी तरीके से आप इसमें पुट करोगे, a² यानी कि 25 + b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 − 2 × a × b। अब इसमें देखो 25 + 3 = 28 − 10√3। अब इसमें क्या होगा, रैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल, ये हमारा क्या बन गया, इरैशनल।
और ये हमारा रैशनल है। अब फिर से रैशनल माइनस इरैशनल, इरैशनल, तो हमारा आंसर क्या आया कि जो हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन था यानी कि 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इरैशनल। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ये आप एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करेंगे, नंबर लाइन पे डेसिमल प्लेस को करना और प्लस रैशनल इरैशनल प्रूफ करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके बच्चों, बाय।